Use the smoke. They are coming. Lay down. Go inside the room. They are coming. Move. Xong lấy xe, bơ máu lấy xe lên đi luôn kìa. Lộn chửi bên kia. Number 4 gamer. Okay, thank you. Nó đang khen mày kìa Thịnh. Nó hỏi mày là có phải làm mày là YouTuber hả? Làm video hả?
Okay, thank you very much. Kêu mày bắn rất là hay. Đúng á. Hỏi mày có phải YouTuber không? सो गाइस, वैसे तो मैं सुबह के मैच खेलता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो एडिट करके जस्ट कंप्लीट ही करी थी, तो मैंने सोचा चलो एक आध मैच खेले, मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन मैच में हुआ क्या, देखो ये हुआ। अब देखो, मैं रिकॉर्डिंग तो शुरू से करता, लेकिन मैंने सोचा एक ही मैच खेल रहा हूँ, क्या रिकॉर्डिंग करूँ, तो इसी बारे में रिकॉर्डिंग करी थी। लेकिन बंदा जंप मार रहा था यार, मतलब ये लोग मिल टाइम उतरे थे, जैसे मैं इससे मिला तो ये, मैं थ्री स्टोरी में नीचे मैं ऊपर जा रहा सीढ़ी से भाग के, और जैसे मैं ऊपर पहुँचा ये टॉप फ्लोर पर खड़ा था। अब भाई साहब, मैं हैरान हो गया यार, ऐसे कैसे इतनी जल्दी। तो इसने एक बार गाड़ी उड़ाई थी, फिर मेरे को शक हो गया, कंफर्म हो गया कि भैया हैक कर रहा है। पहले सोचा कि ग्लिच वगैरह होगा इसलिए चढ़ गया था, तो फिर हैक वैक कर रहा था। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी आप लोगों के सामने, सब कुछ आपने पूरी वीडियो देखी थी। अब देखो, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैं फिर यहाँ पे आए तो इसने दोबारा गाड़ी उड़ाई, आप लोगों ने देखा ही था, पूरी वीडियो देखी तभी समझ आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यार, ये गाड़ी उड़ाई यहाँ पे, कह रहा एनिमी एनिमी, मतलब इसे पहले ही पता लग गया, कह रहा एनिमी आ रहे हैं, लेट जाओ लेट जाओ। तो मैं भी लेट गया, ठीक है, मुझे पता नहीं कि भाई कितने एनिमी है, कहाँ है। फिर पहाड़ पे देखे तो पूरी बटालियन खड़ी है। अब मैं ये समझ नहीं आ रहा यार, मैं इतना पबजी खेल चुका हूँ, यहाँ पे इस पत्थर के पीछे कहीं एंगल ही नहीं गोली पड़ने का, मैं सीधा लेटा हुआ हूँ, कहीं कितने भी दूर हो बंदा, सामने से गोली पड़ रही है, सामने से मार कर देखो बंदा का। तो मेरे को सामने वाले भी हैकर लग रहे थे एक तरह से बोलूँ तो, ठीक है। लेकिन फिर अभी मेरा शक जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया कि सामने वाले भी हैकर थे या नहीं थे। क्यों क्यों नहीं हो पाया, अब आप देख सकते हो, जैसे मैं लेटा पड़ा हूँ, मैं हेल्थ लगा रहा हूँ, मेरे गोली पड़ेगी, वो तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी के नीचे से पड़ी जाती गोली, वो हर किसी को पड़ती है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। फिर मैं हेल्थ लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं खड़ा होता हूँ, फिर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। जब अभी इसी टाइम पे पता लगता है मेरे को कि वो बंदे हैकर नहीं है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ, आपने पूरी वीडियो देख चुके हो, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, ठीक है फटाफट। अगर हैकर होते तो यार मतलब सारे हेडशॉट मारते और मेरे को मौका तक नहीं मिलता, क्योंकि 15 से 20 मीटर का रास्ता था गाड़ी से लेकर घर तक का। और देखो इतने शॉट पड़े, लेकिन सब बॉडी थे, एक आध एक भी हेड नहीं पड़ा, और मैं बच गया और मैं इधर आ गया इस बिल्डिंग में। अब देखो, पहले तो मेरे को हैरानी हुई, मतलब यार मेरी रैंक क्या है इस आईडी पे, मतलब टेक्निकल जाट वाली पे, प्लेटिनम पे हूँ मैं। अब प्लेटिनम 5 है, वो भी 1-2 नहीं है कि हैकर मिल जाए। अब देखो प्लेटिनम पे यार मेरे को लगता नहीं कि हैकर आते हैं, क्योंकि यार इतनी लोअर रैंक है, इसलिए मैं रैंक के लिए नहीं खेलता, क्योंकि एक तो रैंक मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से बात रही यार मतलब हैकर की, पहली बार मेरी टीम में कोई हैकर निकला, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरी टीम में हैकर, मैंने कभी सोचा नहीं था। और फिर मैंने उनसे बंदों से बात करी पूरी यार, कि भैया रिपोर्ट रिपोर्ट मत मारना मुझे, टेक्निकल जाट वाइटी नाम है, तो उनको चैनल वैनल सब्सक्राइब करवाया मैंने, तो बंदे कहने लगे गुड गुड। फिर मैंने बोला यार, मैंने उनसे बोलने लगे आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उन्हें अप्रिशिएट कर रहा था कि आप लोगों ने हैकर मारा, मेरे टीममेट हैकर था, आलिया 005 नाम था इसका। अब भाई मेरे प्रोनाउंस पता नहीं कैसे करना, मैंने तो ऐसे कर दिया, स्पेलिंग इसकी है ALAI, ठीक है, तो ये स्पेलिंग है 005, जेम्स बॉन्ड के साथ बहुत बड़ा फ़ैन है। तो मैंने गलती से इनका एक बंदा मार दिया यार, तो वो शायद थोड़ी गलती कर दी, फिर ये तीन ही बचे थे, तो मैंने इनसे बोला यार सॉरी भाई तुम्हारा बंदा मार दिया। और मेरे को पहले पता नहीं था कि जोन इतना काट रहा है, तो मैं लड़ता ही नहीं इनसे, फिर हेल्थ वेल्थ लगाता, तो बाद में मिलते ही चलो कोई नहीं यार। फिर मैंने इनसे बातचीत करी, अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया, मैंने बोला कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखना, तो इन्होंने बोला यार हम ज़रूर देखेंगे, और कहने लगे कहाँ से हो सब वगैरह फलाना ढिमकाना, तो सब बताया मैंने इसे। ये भी इंग्लिश में ही बात कर रहा था, चाइनीज़ बंदा था यार, सुबह 5 बजे भी चाइनीज़ बंदे मिलते हैं यार, इंडिया में तो खेलता ही नहीं है। सो गाइस, बस यही बताना था यार, देखो हैकर तो बोल नहीं सकते, हैकर एक अच्छा प्रोफेशन होता है,
मतलब अगर आप एथिकल काम कर रहे हो सारे, लेकिन हैकर नहीं बोल सकते इन्हें, इन्हें बोल सकते हैं स्क्रिप्टर, ठीक है, जिन्हें गेम खेलनी नहीं आती, जो स्क्रिप्ट डाल देते हैं और मज़े लेते हैं गेम के, वो नहीं करना चाहिए। और इन्हें हैकर मत बोला करो, हालांकि टाइटल और थंबनेल मैंने हैकर ही लिख रखा है, क्योंकि यार वही चलता है। मैं स्क्रिप्टर लिखूंगा कौन क्लिक करेगा, आप लोग कुछ समझदार हो तो। बस यही दिखाना था यार आप लोगों को, मतलब रैंडम गेम मैंने खेली। वैसे सुबह खेलता नहीं मैं, पहले खेलता था, अब नहीं खेलता, लेकिन थोड़ा मन करा तो खेलने लग गया। और आज की मेरे को पता है स्ट्रीम यार अपने आप बंद हो गई थी, वो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था, फिर इंटरनेट 3 बजे के बाद आया, तो मैंने सोचा यार अब क्या स्ट्रीम स्टार्ट करूँ, तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने इस बंदे से बातचीत करी, अगर आप पूरी वीडियो देखी होगी फुल आवाज़ में तो कुछ समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और ये लाइन बोलने के लिए मैं तरस रहा था, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, क्योंकि मैं पहले बोला करता था, अब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जितने पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा ये लाइन जरूर बोलता था मैं, मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जय हिंद जय भारत। You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?